लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी में लगातार मानव सेवा में समर्पित एमएस वीवा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज हिमायूपुर के श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के 30 परिवारों को आटा, चावल, आलू और मसालों का वितरण किया गया। राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया और ट्रस्ट की संचालिका नंदिनी यादव ने सभी से आग्रह किया कि घर से बाहर निकलते समय आप लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। इस दौरान पावन शर्मा, देश दीपक, गौरव कुशबा, अंकुर यादव, जीतू यादव, विष्णु आदि लोगों का राशन वितरण में विशेष सहयोग रहा। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। अरे आज हम यहाँ हुमायूंपुर में सरोजनी नायडू स्कूल के बराबर जो गली है वहाँ पे आए हुए हैं और तकरीबन 30 परिवारों को आज हमने यहाँ पे राशन वितरण किया है। और ये सभी लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किसी भी कारणवश को राशन नहीं मिल पाया है, तो ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों को आज जो हमारी संस्था है एमएस वीवा ट्रस्ट उसके द्वारा हम लोगों ने आज यहाँ राशन वितरण किया। मैम, कब राशन वितरण कार्यक्रम कब से शुरू किया है और कब तक चलेगा? ये चलेगा, ये देखिए हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम लोग भी फिर ये चीज़ें वहाँ पे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फिर लोगों के पास कम से कम एक जरिया होगा कि उनकी जो भी कमाई का जरिया था वो लोग उस तरीके से चीज़ें कर पाएंगे। तो एक बस हमारी भी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द अब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए।